बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। ये मेरा वी लॉग सिंध की करप्ट गवर्नमेंट के ऊपर है, जो कि साल हा साल से इस सिंध को चूहों की तरह अंदरों अंदरी खाए जा रहे हैं और इनका पेट नहीं भरता। जरदारी तो एक था, लेकिन जरदारी से भी डबल दो हाथ उसकी अपनी बहन फरियाल तालपुर है। जरदारी गुंडा और उसकी बहन गुंडी, ये आप देख लीजिए वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अंदर क्लियर कट वो सिंध के लोगों को ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे उसके जर खलीद गुलाम है। इसने पैसे लगा के उनको खरीदा हुआ है। शहदादकोट के रहवासियों, इस सिटी के रहने वालों, कंबर शहदादकोट से दूर से आने वालों, कान खोल कर से सुन लो, एक ही नारा है, भुट्टो का नारा है, एक ही निशान है, वजीर का निशान है। सारे तमाशे बंद होने चाहिए और तीर को वोट देना है 11 तारीख। और देखे भी पहले दिमाग में अगर कोई मगी रहे, बराए मेहरबानी कड़ी छले बाई टांग के बजाय दाई टांग। मैंने जवाब दे दिया बस। साथी अगर आपको गुजारिश आए प्रोफेसर राजीव साहब, दुनिया जी तमाम बड़ी हस्ती है प्रोफेसर राजीव साहब। अल्लाह पनाह ऐसे लोगों पे अल्लाह का अजाब, अल्लाह ताला इनको तबाह बर्बाद कर दे। लेकिन मेरे सिंध के लोगों, ये तबाह बर्बाद उसी वक्त होंगे जब आप लोग खुद बाहर निकलोगे। अब खुद लोग डंडे लेकर बाहर निकलोगे, इनकी हजामत जब तक नहीं बनाओगे, ये याद रखो आपको ये गुलाम बनाए रखेंगे। आपकी आने वाली 10 नस्लें भी आ जाएंगी, ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी नस्ल दर नस्ल आपको खाती जाएगी। यही वजह है कि देखिए, मैंने 15 जनवरी 12 बजे पाकिस्तान का टाइम दिया है। तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स एंड मदरसा के लड़कों को कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, इस करप्ट गवर्नमेंट से आज़ादी के लिए आप बाहर निकलिए। खुदा के लिए अगर आप बाहर निकलेंगे, ये स्टूडेंट पावर एक ऐसी होती है दुनिया में कहीं भी है, वो हला के रख देती है हुकूमतों को। मेरे बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए इसमें मेरा कोई जाती फायदा नहीं है, मेरी सिर्फ एक खुशी होगी कि कल को आप लोग इंजीनियर, डॉक्टर्स, आपके आने वाली नस्लें इस रोशन पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान का नाम हो दुनिया के अंदर। लेकिन इस तरह की गुलामी जिसमें लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग अपने मेडिकल इलाज के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनको अवेलेबल नहीं है। क्यों? ये जरदारी करप्ट खानदान अंटायर, इन्होंने सिंध के तमाम डेवलपमेंट का भी पैसा साल हा साल से ये बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं। जुल्म ये है, लूटते पाकिस्तान के और उसके ऊपर डबल पाकिस्तान से पैसा भी बाहर ले जाते हैं। तो फिर मेरे लोगों, वो पैसा आपने अदा करना होता है। इस महंगे आटा लाइनों में लेकर लग के खरीदना, महंगी चीजें खरीदना, चीजें भी आपकी, पैसा भी आपका, लेकिन गुलामी भी आप कर रहे हो। खुदा के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस पाकिस्तान की आजादी के लिए आपको बाहर निकलना होगा, इनका मुकाबला करना होगा। आप मुकाबला करोगे तो फिर याद रखो, शायद आपको आजादी मिल जाए। अभी मैं आपको जो एक एक बात समझाने लगा हूं कि ये जरदारी खानदान ने प्लान बनाया हुआ है कि आपको मजीद ये डुबोएंगे, सड़कें आपकी टूटेंगी, आपको बिल्कुल जमीन से भी नीचे ले जाएंगे और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ करेंगे, मरकजी हुकूमत के खिलाफ करेंगे जब ये खुद हुकूमत में नहीं होंगे। और ये कहेंगे सिंध टिकट खेलेगा, सिंध कार्ड खेलेगा ये कि सिंध के लोगों को तो मरकजी हुकूमत देती कुछ नहीं है, इसलिए हमें अपना अलग मुल्क बनाना होगा। ये याद रखो, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है कि बलूचिस्तान में सरदार पैसे ले लेकर वो उन्होंने बाहर इन्वेस्ट किए, उनके बच्चे कहां से कहां पहुंच गए, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कहां से कहां बना ली, लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। वो भी टेबल के दोनों तरफ से खेलते हैं।
टेबल के एक तरफ पाकिस्तान है कि टेबल के दूसरी तरफ दुश्मनाने पाकिस्तान है। वो दोनों से पैसे लेते हैं, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं कि हाँ जी हम अमन करेंगे, दुश्मनों से पैसा लेते हैं कि हाँ पाकिस्तान में हम टेररिज्म करेंगे। सेम वे सिंध के अंदर मेरे लोगों याद रखना, ये जो जरदारी माफिया है, ये माफिया आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये आपकी जो है ना आपको बिल्कुल डुबो देगी पकड़ के, ऑलरेडी डूबे हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि इस पाकिस्तान को हम बेहतर बनाएं, आप चाहते हो कि पाकिस्तान को हम उस जगह पे ले आए जहां पे पाकिस्तान की बुनियादें से दोबारा एक बिल्डिंग खड़ी कर सकें, तो आपको इस आजादी के लिए आवाज उठानी होगी, आपको बाहर निकलना होगा। 12 बजे 15 जनवरी, मैं फिर कहूंगा 12 बजे पाकिस्तान का टाइम, 15 जनवरी को तमाम स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के और मदरसे के तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि उस अल्लाह के लिए, उस आजाद पाकिस्तान के लिए, उन गरीब लोग जो आटे से मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, उनकी आजादी के लिए, इस पाकिस्तान की आजादी के लिए आप बाहर निकलिए और अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन जरूर शो करें कि हाँ हम कौम पूरी पाकिस्तान की कौम एक है, हमें डिवाइड मत करो, हमें भूखा मार रहे हो, लोग खुदकुशियां कर गए, तो क्या हम इनका इंतजार करते रहेंगे? मेरे पाकिस्तानियों काइंडली आप भी समझ जाओ, मेरे सिंध के लोगों याद रखना, कहते ना कोई मसीहा आएगा आपके लिए, मसीहा उसी वक्त आता है जब आप लोग खुद उठोगे, आप खुद नहीं उठोगे तो कोई मसीहा नहीं आएगा, मसीहा आप में से ही आएगा, ये याद रखिएगा, मसीहा आप में से ही आएगा, कोई स्पेशल बना बनाया नहीं आता। अल्लाह ताला आप लोगों में से बहुत सारे मसीहा है, लेकिन क्या है कि माफिया, करप्ट माफिया, जरदारी माफिया, तालपुर माफिया, ये सब उनको कत्लो गारत कर देते हैं। अगर आज आप तहैया कर लें कि हाँ हमने 12 बजे 15 जनवरी को निकलना है, तमाम बच्चे स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के, एक दफा निकलो, यकीन करो इनकी बैंड बज जाएगी, ये किसी जगह पे नहीं रहेंगे। लेकिन हमने इनको सिर्फ ये नहीं कहा हटाना है, इनको मुल्क से जाने भी नहीं देना, हम की इनकी हड्डियों से पाकिस्तान का लूटा हुआ माल निकालेंगे, इसकी हड्डियों से आपका पैसा, आपके बच्चों का हक जो इन्होंने मारा है वो निकालेंगे। बेशर्म लोग इतने हैं कि बच्चों के स्कूल में जाता है जहां पे नंगे पांव बच्चे खड़े हैं और ये वहां पे बड़ा खुश होकर फोटो खिंचवाता है, ये फोटो खिंचवाने आते हैं 5-5, 10-10 रुपए लेकर। अब वो वक्त चला गया, इमरान खान ने आपको एक कौम बनाने का लेक्चर दिया और कौम बना भी दिया। देखिए ना, हम सब एक हैं, अभी हम एक पाकिस्तानी होके बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, एक दूसरे के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, उसकी आजादी के लिए बात कर रहे हैं। तो इमरान खान ने हमें कौम बना दिया, तो वो चीज इन लोगों को पसंद नहीं आई। क्यों? इनका मकसद है हमें डिवाइड करके रखो, मजहबों में, फिरकों में, जातों में, सुबाहियत में, लसानियत में, ताकि ये लूटते रहे। इनका अपना तो ना तो कोई मजहब है, ना इनकी कोई पहचान है, सिर्फ एक ही पहचान है, डाका जनी, बदमाशी। लेकिन अब अवाम, आप लोग याद रखो, आप लोग अगर इतिहाद कर लिया, मैंने आपको टाइम एंड डेट दे दी, इतिहाद कर लिया, उस दिन आपने बाहर निकलना है, हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे के लोग निकलेंगे, इनकी बैंड बज जाएगी, आपको एक आजादी का दिन निकल आएगा। और याद रखिएगा, ये आपने डिमोन्स्ट्रेशन जारी रखनी है जब तक ये करप्ट माफिया, लुटेरे, डाकू, चोर ये जेलों में नहीं चले जाते। ये आप लोग, आपकी पावर है, आपका मुल्क है, आपका घर है, आपको पूरा राइट है, आपने जैसे जीना है आप जी सकते हो। ये कौन होते हैं आपकी किस्मतों का फैसला करने वाले? यही वजह है कि जब तक हम जी सर जी हजूरी करते रहेंगे, ये हमारे सर पे जूते मारते रहेंगे। इनकी औकात क्या है, आप खुद सोचिए कि इनकी क्या औकात है। पैसा भी आपका है, प्रॉपर्टी भी आपकी है, मालिक ये बन गए, इज्जत आपकी है, इस्तेमाल ये कर रहे हैं, ताकत आपकी है, आपको गुलाम बना के ये उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, चोर डाकू पूरे पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर तो इंतहा हो गई है ना, टॉप लेवल पे, कि जहां पे एक कुत्ता काटने की वैक्सीनेशन नहीं हो पाती। स्कूलों के अंदर हकीकत बात है, बिल्डिंग है,
तो फिर नीचे नहीं, नीचे फर्श नहीं है, फर्श है तो छत नहीं, और अगर स्कूल की बिल्डिंग है वहां पे बच्चे नहीं है ना टीचर है, यानी कि कहने का मतलब यह कि हर चीज इन्होंने तबाह बर्बाद इसीलिए की है ताकि आपके आपको आपके बच्चों को आपकी आने वाले नस्लों को अवेयरनेस ना आ सके। अब आप खुद सोचिए कि जब आपके बच्चों को अवेयरनेस नहीं आएगी, पांव से नंगे होंगे तो वो फिर इसी तरह ही रहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।